So my question is saying that in covering a distance of 30 km, Amit takes 2 hours more than Samir. If Amit doubles his speeds, he will take 1 hour less than Samir. If Samir does not change his speeds of travel, Amit original speed is okay. तो सबसे पहले क्या है, टोटल डिस्टेंस के बात किया गया है. टोटल डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है एक. ओके, समीर है और कौन है, अमित है. सबसे पहले टाइम की बात करें, समीर को कितना लगता है, अमित को 2 गुना टाइम लगता है तो समीर को 1 गुना टाइम लगता है. ओके, तो स्पीड में क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये तो सबको पता ही है. ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 आवर्स मोर बोला है, 2 आवर्स मोर एंड 1 आवर लेस, यानी कि कितना का बात कर रहा है, 3 का बात, 3 यूनिट का वैल्यू बात कर रहा है. यानी कि यहाँ से ये माइनस कीजिए, जो स्पीड का डिफरेंस 1 यूनिट का, ये क्या इक्वल है, 3 का बराबर है. ओके, ये पता चल गया, ये 3 कैसे आया ये पता चल गया. ओके, उसके बाद बोला है सम देन स्पीड ऑफ समीर, सॉरी ओरिजिनल स्पीड ऑफ अमित का पूछा है ना, अमित का, तो अमित का तो पहले टाइम मुझे पता है, तो 3 × 2 करूँगा, अमित का टाइम कितना आ जाएगा, 6 आ गया. अमित टाइम इक्वल्स टू ये 3 × 2 करूँगा तो अमित का टाइम आ जाएगा 6. ओके, 6 क्या होगा, आवर्स. तो यहाँ से स्पीड निकाल सकता हूँ अमित का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम. डिस्टेंस कितना है मेरा, 30 है, टाइम मेरा 6 है, 6 × 6 = 6, 5, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा, टाइम स्पीड आ जाएगा किसका, अमित का. थैंक यू.